हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ का एक्सरसाइज 6.4 को आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेड बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इस बुक की और भी एक्सरसाइज की स्टडी करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन्हें अभी ये वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें और फिर ये वीडियो आप देखें। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है और आप अच्छे से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन है आपका सेटअप एन इक्वेशन, यानी कि इनके लिए इक्वेशन सेटअप करना है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अननोन नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा एड 4 to 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर में, ठीक है, उसके 5 टर्म्स में 4 ऐड करना है, यू गेट 64, मतलब आपको आंसर 64 मिलेगा। तो ऐसे इसको पढ़ के इसका इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए नंबर इक्वल टू एक्स, यानी कि जो अननोन नंबर है, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब एक्स का 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो 5x हो जाएगा, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो 5x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स का 5x और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 5x + 4 और यू गेट 64, यानी कि इक्वल टू 64, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, 5x + 4 = 64, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने सॉल्व करने के लिए इनवर्स जो मेथड है वही पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस +4 को रिमूव करेंगे। तो +4 को रिमूव करने के लिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐड में 4 है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है 4 बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 5x - 4, 5x + 4 में से -4 करेंगे, इधर भी -4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 0 होता है, तो आपका 5x बच जाएगा इधर। तो ठीक है, इधर 64 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 60 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 5x = 60 आ गया। अब हमें से इस 5 को भी हटाना है, तो ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखो कि डिवाइड बाई 5 बोथ साइड, मतलब बोथ साइड 5 का डिवाइड करना है आपको। तो इधर अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, और इधर 5 का डिवाइड करोगे, 60 में 5 का डिवाइड करोगे, यानी 60/5, तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 12। ठीक है ना, तो ऐसे इक्वेशन बनाना है और फिर इसको सॉल्व भी करना है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, 9 < 1/2 ऑफ ए नंबर। ठीक है, ए नंबर का 1/2, तो ए नंबर मान लेंगे x। ठीक है, और उसका x का 1/2 करेंगे तो 1/2x। ठीक है, और 9 < करेंगे मतलब -9। ठीक है, एज 14, एज मीन्स टू इक्वल और 14 - 14, तो यानी कि 1/2x - 9 = 14 आपका इक्वेशन बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस 9 को हटाएंगे, यहाँ पर 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट में है, तो हमें ऐड करना है, मतलब इनवर्स ऑपरेशन करना होता है, सब्ट्रैक्ट में होता है तो ऐड करना होता है। सो एडिंग 9, ठीक है, दोनों साइड 9 ऐड कर देंगे, इधर 9 ऐड करेंगे तो 9 - 9 ये 0 हो जाएगा, और 1/2x बच जाएगा हमारा। इधर 9 ऐड करेंगे तो 14 - 9 ऐड हो जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2x और 23 आ चुका है। अब हमें इस 1/2 को भी हटाना है, तो 1/2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ साइड, तो मैंने नीचे लिखा है मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, 2 से 2 कट गया और यहाँ पर x बच गया, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया था 46, तो x की वैल्यू 46 आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रांसपोजिशन मेथड भी यूज कर सकते हो, अगर आपको आता है तो। मैंने ट्रांसपोजिशन मेथड भी आपको पढ़ाया है, उसमें वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, तो वो मेथड और भी ज़्यादा आसान है इस मेथड के बजाय। तो जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो ट्रांसपोजिशन भी यूज कर सकते हो, या फिर ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 डिग्रीज करना है, लेकिन किस में से करना है, ट्वाइस ए नंबर। ठीक है, ए नंबर एक्स हो गया, एक्स का ट्वाइस करेंगे तो 2x और 2x - 10 डिग्रीज करना है ना, तो 2x - 10। ठीक है, एज 2 का मतलब इक्वल टू। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया, और अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में है टेन सब्ट्रैक्ट में है, तो ऐड करेंगे दोनों साइड 10। ठीक है, ऐड 10 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड
10 ऐड करना है, ठीक है। तो जब हम इस साइड में 10 ऐड करेंगे तो 10 से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, सिर्फ 2x बच जाएगा। और उधर हम 10 ऐड करेंगे तो 2 में 10 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 12। तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 और x मल्टीप्लाई में है, सो 2 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देंगे, तो मैंने लिखा है डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। तो x की वैल्यू 6 आ गई आपकी। नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 2, जब मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ फ्रॉम 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मतलब एक नंबर का 8 टाइम्स, ठीक है। तो पहले टाइम्स करेंगे, नंबर मान लेंगे एक्स, 8 टाइम करेंगे तो 8x, ठीक है, और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x-2, और आई गेट 22, ठीक है। तो आंसर 22 है, सो इक्वल टू 22। ये आपका क्वेश्चन बन गया 8x-2 इक्वल टू 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में 2 है, तो पहले ऐड कर देंगे दोनों साइड 2, ठीक है। 2 को हटाना है तो 2 ही ऐड करेंगे, तो मैंने नीचे लिख दिया ऐड 2 बोथ साइड, ठीक है। इधर 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 24, और इधर 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 8x इक्वल टू 24 आ गया। अब x के साथ में 8 है तो 8 को भी हटाना है, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड 8 का, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड किया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, और इधर 8 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आपका आंसर हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। सीता थिंक्स ऑफ ए नंबर, सीता एक नंबर के बारे में सोचती है, तो उस नंबर को मान लेंगे हम एक्स। लेट सीता थिंक्स अबाउट एक्स, ठीक है। इफ सी ऐड 19 टू इट, मतलब बहन इसमें 19 ऐड करती है, तो एक्स में 19 ऐड करेंगे तो हो गया एक्स प्लस 19, ठीक है। और डिवाइड करती है फिर 5 से, तो एक्स प्लस 19 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, यानी नीचे 5 लगा दिया। सी विल गेट 8, तो उसको 8 मिलते हैं, सो आंसर इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया पूरा। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इस 5 को हटाएंगे, 5 डिवाइड में है, तो डिवाइड वाले को हटाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो मैंने नीचे लिख दिया है मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई लगा देंगे और 5 लिख देंगे इधर, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस 19 बच जाएगा। और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 40 हो जाएगा, तो x प्लस 19 इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखो 19 को हटाना है, तो 19 को हटाने के लिए ऐड में है 19, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 19 बोथ साइड, तो दोनों साइड 19 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 19 से 19 कैंसिल आउट, सिर्फ x बचेगा, और इधर 40 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने मतलब जो सीता है वो 21 के बारे में सोच रही थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर एक नंबर के बारे में सोचता है, तो उस नंबर को हम मान लेंगे कि एक्स, अनवर जो है एक्स के बारे में सोचता है। ही टेकन अवे 7, यह जो है 7 इसमें से लेता है फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। तो पहले 5/2 करेंगे, ठीक है, 5/2 ऑफ नंबर, नंबर मीन्स एक्स, एक्स का 5/2, 5/2 एक्स हो गया, इसमें से 7 अवे कर रहा है, अवे मीन्स सब्ट्रैक्ट, तो -7 इक्वल टू 11/2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 7 को हटाना है, तो -7 को हटाने के लिए ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ 7 से। तो मैंने लिख दिया है ऐड 7 बोथ साइड, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया सिर्फ 5/2x। और इधर अगर 7 को ऐड करोगे तो देखो ये वाला ऐड जो है, ठीक है, एलसीएम लेके हो जाएगा, तो मैंने एलसीएम लेके इसका ऐड कर लिया, 25/2 आ गया, इधर 5/2x ही है। अब 5/2 को हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 5/2 से, ठीक है, ताकि 5/2 बढ़ जाए। तो 5/2x में डिवाइड किया 5/2 से, तो 5/2 तो 5/2 से कट गया, सिर्फ x बच गया। इधर अगर आप डिवाइड करोगे 5/2 से तो पता है कैसे डिवाइड होगा, 25/2 और 5/2 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई का लग जाएगा, और 5/2 की जगह 2/5 आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और 5 से ये 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब अनवर जो है 5 के बारे में सोच रहा था। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन। मुन्ना सब्ट्रैक्ट 3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसके 3, मतलब 3 टाइम। तो हमने मान लिया कि मुन्ना जो है एक्स के बाद एक्स के 3 टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 50 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है ये, तो 50-3x, ठीक है, एक्स का 3 टाइम 3x, तो 50-3x, और फाइंड द रिजल्ट 8, तो इक्वल टू 8, 3x, 50-3x इक्वल टू 8, एक क्वेश्चन बन गया।
अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले इस 50 को हटाना है, 50 प्लस में है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड 50, तो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम द बॉस साइड। ठीक है, इधर से 50 सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ माइनस का 3x बच जाएगा। इधर से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 50 करेंगे तो माइनस का 42 आएगा। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 3 को बटाना पड़ेगा, तो माइनस 3 जो है एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में है, सो हमें डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 3 से बॉस साइड। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है डिवाइड बाय माइनस 3 बॉस साइड, 3 इधर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। 42 में अगर माइनस 3 के डिवाइड देंगे तो 14 आंसर आ जाएगा, तो यानी कि मुन्ना जो है, मुन्ना के पास 40 नोटबुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है इक्वेशन बना के। देखो फाइंड ए नंबर सच दैट 6 मोर देन 1/2 ऑफ ए नंबर। ठीक है, एक नंबर है जिसका 1/2 है, तो 1/2 हम मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, तो 1/2 अपॉन एक्स, 6 मोर देन मतलब प्लस 6 इज 2/3 ऑफ द नंबर इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर का मतलब एक्स। ठीक है, 2/3 x, ये आपका क्या क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन इधर बना रखा है, तो आप देखो ये मैंने इक्वेशन बना रखा है कि लेट नंबर, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो मैंने यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड यूज किया है, इनवर्स वाला मेथड यूज नहीं किया, ताकि आप ट्रांसपोजिशन भी सीख जाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट जब भी करते हैं तो प्लस वाला नेगेटिव में हो जाता है, नेगेटिव वाला प्लस में हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर होता है, जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को उठा के यहाँ से और उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1/2 वहाँ से इधर आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 में 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। ऐसे ही 2 का डिवाइड देंगे 6 में, 3 टाइम आएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3, तो 4x - 3x कितना हो जाएगा x। ठीक है, x/6, तो ये आपका x/6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x/6 = 6 आ गया, यहाँ पर हम इस 6 को ट्रांसफ़र करेंगे, ये डिवाइड में है तो ट्रांसफर में जाएगा, मल्टीप्लाई में मतलब इधर आ जाएगा 6 में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 6 6 था 36 आ गया, और यहाँ पर रह गया x, तो x की वैल्यू 36 आ गई। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोजिशन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, उसका पेरीमीटर है 54। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 54 है, और लेंथ जो है वो उसकी ब्रिप्थ से 3 मोर देन है, तो हम ब्रिप्थ को मान लेंगे x। ठीक है, ब्रिप्थ को मान लेंगे x, और लेंथ जो है 3 मोर देन है, मतलब लेंथ आ जाएगी आपकी x प्लस 3। ठीक है, ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रिप्थ आ गई, इन दोनों को यूज करेंगे पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख देंगे इनको। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट ब्रिप्थ ऑफ द रेक्टेंगल x है, लेंथ हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख दिया, पेरीमीटर होता है आपका 2 × l + b इक्वल टू, पेरीमीटर दे रखा है 54 है, तो l की जगह लिख दो आप क्या, x प्लस 3, तो मैंने l की जगह ये x प्लस 3 लिख दिया, और b की जगह लिख दो x, x लिख दिया। ठीक है, x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे, यहाँ पर 2x हो गए, और प्लस में 3 है ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है ना मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले को ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, मतलब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 54 के। ठीक है, तो 54/2 हो जाएगा, और इधर आपका 2x + 3 बच जाएगा। ठीक है, 54 को 2 से डिवाइड दिया तो 27 आ जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया 27। ठीक है, 2x + 3 = 27। अब यहाँ पर पहले अब 3 को ट्रांसफर करेंगे, 3 इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो 27 - 3 = 24 आ गया। अब 24 आ गया, तो फिर ये जो 2 है, ये वाला 2, ठीक है, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड है ये, तो ऐसे आपका ये प्रॉब्लम भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। इफ़ यू वन एक साइड तो उसमें 11 है, ठीक है, 3 साइड होती है ट्राइंगल में, तो एक साइड तो 11 है, और बाकी अनदर साइड जो है 1/5 है इसके पेरीमीटर से। ठीक है, मतलब इसके पेरीमीटर का 1/5 है, तो पेरीमीटर मान लेंगे x। ठीक है, तो अनदर साइड हो जाएगी 1/5 / x, ये आ जाएगी। ठीक है, और एक साइड जो है इसकी इसके पेरीमीटर से 1/4 है, मतलब एक साइड आ जाएगी इसकी 1/4 / x। ठीक है, 3 साइड हो गई ट्राइंगल की, एक तो 11 दे रखी है, ठीक है, एक तो ये साइड हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई।
ठीक है, तीन से ऐड हो गई, और पेरीमीटर एक्स, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू में एक्स लिख देंगे, क्योंकि तीनों को ऐड मतलब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वन साइड 11 है और पेरीमीटर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो अनदर साइड आ गई आपकी ये 1/5x, और थर्ड साइड आपकी 1/4x आ गई, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको और इसको, तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया, ये देखो तीनों को ऐड में लिख दिया, इक्वल टू में पेरीमीटर है एक्स, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। अब क्या किया मैंने, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक तो नोट कर लो आप, फिर इधर देखना। ठीक है, देखो ट्रांसफ़र करेंगे इसको और इसको, ट्रांसफ़र करना है तो इन दोनों को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इधर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो है 1/5 ये माइनस हो जाएगा, 1/4 भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम 20 आ गया, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1/20 में देंगे तो 20x, तो ये 5 का डिवाइड दे देंगे इसमें, तो 4 × 4 × x करेंगे तो 4x, 4 का डिवाइड 5 × 5 × x करेंगे तो 5x, ठीक है। तो 20 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों मिलके, 4 और 5 9, यानी 20 20x में से 9x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11x आ जाएगा, नीचे 20 है। अब इस 20 को जो है ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में है यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा 11 के पास में आ जाएगा ट्रांसफ़र, ओके। और इनको मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू में 11x बचेगा इधर, तो एक्स वैल्यू निकालेंगे तो 11 नीचे चल जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, एक्स वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी कि जो पेरीमीटर है इस ट्राइंगल का वो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ऐसे समझो इसको अच्छे से और नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर टेल अस द क्लास इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के द्वारा जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन है, हाईएस्ट मार्क्स जो ऑब्टेन है वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से, यानी कि 2 लोएस्ट मार्क्स और प्लस में 7, ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, हाईएस्ट मार्क्स डिपेंड है लोएस्ट मार्क्स पर, तो लोएस्ट मार्क्स को मान लेंगे एक्स, तो 2x हो जाएगा, और हाईएस्ट तो हाईएस्ट ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो लोएस्ट मार्क्स एक्स मान ली मैंने, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू क्या हो, 2x + 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स दे रखे हैं 87, तो 87 रख दिया हाईएस्ट मार्क्स दे गए, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब पहले 7 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो माइनस में आ जाएगा 7, क्योंकि प्लस में है इधर, तो माइनस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 87 - 7 80 आ जाएगा, इधर 2x बच जाएगा आपका, ठीक है। 2x = 80 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जो है डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो लो एक्स मार्क्स जो है 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेल ट्राइंगल, एक आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड सेम होती है। आइसोसेल ट्राइंगल में बेस एंगल है इक्वल, ठीक है, और ऊपर का एंगल यानी पर्टेक्स एंगल 40 है, ठीक है। वैसे ये ट्राइंगल है, इसमें ये इस एंगल को ऊपर के एंगल को बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, तो ये 40 है, ठीक है। और नीचे के एंगल जो है यहाँ पर, ये एक्स एक्स के हैं, ठीक है, हम मान लेंगे एक्स एक्स के हैं, तो हमें निकालना है कि ये एंगल एक्चुअल में है क्या है। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि बेस एंगल जो है एक्स के हैं, ठीक है। ऊपर ला ये एंगल 40 है, ये दोनों एक्स एक्स के मान लिए, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इसको सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। सो मैंने लिख दिया यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो तीनों एंगल का सम कर दिया, इक्वल टू 180 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 40 को ट्रांसफ़र कर दो, 40 इधर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो 180 - 40 हो गया। इधर एक्स और एक्स को 2x मतलब जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू आपका आ गया 140, क्योंकि ये 40 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 2 को ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 70, मतलब जो नीचे के मतलब बेस एंगल जो है वो ईच 70 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज 20 ईयर्स ओल्ड, एक मैन जो है अपने सन से, अपने खुद के बच्चे से 20 ईयर्स एल्डर है। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद इनकी एज जो है, मतलब ये जो मैन है वो अपने बच्चे के एज के ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इनकी एज, तो देखते हैं इसका। तो देखो हम मान लेते हैं कि जो सन है वो, उसकी एज जो है वो एक्स ईयर है, मतलब सन एक्स ईयर का है, ठीक है।
तो उसका जो मैन है वो एक्स प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 साल बड़ा है, एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है दोनों। और फिर 10 साल बाद की कंडीशन दे रखी है हमें, आफ्टर 10 इयर्स, तो 10 इयर्स के बाद में जो सन है वो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो सन है एक्स ईयर का, 10 साल बाद 10 और जुड़ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 10 हो जाएगा सन तो, और मैन जो है एक्स प्लस 30 का हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस 20 का तो अभी है, 10 और ऐड हो जाएगा तो 20 में 10 ऐड हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस 30 हो जाएगा 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जो मैन है ना वो उस बच्चे का ट्वाइस है, यानी कि मैन की एज ईयरी इक्वल टू में बच्चे की एज ईयरी, और ट्वाइस का मतलब 2, ठीक है। अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × x के तो 2x, और 2 × 10 के तो 20, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया देखो ये, ठीक है ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ट्रांसपोजिशन मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, ये 20 को इधर ले जाएंगे 30 के पास, तो -20 आ जाएगा, x को इधर ले जाएंगे 2x के पास, तो -x आ जाएगा, 2x में से x गए तो x बच गया, और 30 में से 20 गए तो 10 बच गया, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई, और x किसकी वैल्यू थी, सन की, यानी कि सन जो है 10 ईयर्स का आ गया, और जबकि मैन है वो 20 साल बड़ा था, यानी कि 10 + 20 यानी कि 30 ईयर, मैन की एज जो है 30 ईयर आ गई, ठीक है। ऐसे इसका सॉल्यूशन कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें सॉल्व करना है। तो देखो डेविड कहता है कि ही हैज 7 शर्ट शॉर्ट, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट दैट जॉय, डेविड कहता है कि जॉय के पास जितनी शर्ट है उसका 7 कम इसके पास है, ठीक है ना। हाँ, जॉय के पास जितनी शर्ट है उसके 2/3 के 7 कम है, ठीक है, तो जॉय के पास शर्ट कितनी है, 21 ईयरी, ठीक है, तो इसको डेविड के पास कितनी शर्ट होंगी तो वो निकालेंगे। देखो जॉय के पास 21 शर्ट है, 21 शर्ट्स है, और डेविड के पास कितनी होगी, 2/3 कर लो पहले 21 का, ठीक है भाई, जॉय के पास 21 है, इसका 2/3 करेंगे, 2/3 × 21, 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 7 × 14, 7 × 2 = 14, 14 में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा डेविड के पास 7 शर्ट्स है, ठीक है ना, 14 में से 7 माइनस हो गया तो 7 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन मंडे एंड ट्यूजडे, मंडे और ट्यूजडे का मिला के है, दोनों का अलग है, मंडे का ये रहा ट्यूजडे का ये रहा टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर फ्रॉम द एवरेज टेम्परेचर मंडे टू वेडनेसडे वो 46 है, एवरेज का मतलब तीनों दिनों का 46, 46 और 46 है, ठीक है, तो हमें निकालना है वेडनेसडे का कितना है। देखो मंडे का ये रहा टेम्परेचर, ट्यूजडे का ये रहा, ठीक है, वेडनेसडे का पता नहीं है, और तीनों दिन का यानी कि टोटल टेम्परेचर दोनों को मिलाकर तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, और तीनों दिन का टेम्परेचर मतलब मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे तीनों का टेम्परेचर कितना है, तो 46 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 46 जो है वो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर मतलब है कि तीनों का 46 है, तीनों डेज का 46, 46 और 46 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों को मिला के आ गया 138, ठीक है, 138 में से 93 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, तो 138 में से 93 को सब्ट्रैक्ट किया तो 45 डिग्री वेडनेसडे का टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, लक्ष्मी के फादर जो है उनकी एज 49 है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी दे रखी है कि लक्ष्मी के जो फादर है 4 ईयर्स ओल्डर देन द थ्री टाइम ऑफ लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के एक्स मान लेंगे उसका 3 टाइम करेंगे तो 3x, और प्लस में 4, ठीक है, इक्वल टू में ये है, इक्वल टू में लिख देंगे 49, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, लक्ष्मी की एज का 3 × 3x और उसमें 4 ऐड किया तो 4 ईयर आ गया, इक्वल टू 49, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लक्ष्मी की एज आ जाएगी, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 49 में से 4 माइनस हो जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो 3 है इसका डिवाइड कर देंगे 45 में, तो एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी, मतलब जो लक्ष्मी है उसकी एज 15 आ जाएगी। आगे जो क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ 4 लैक्स पेट्स इन ए लोकेलिटी बर 2 मोर देन द 3 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ 2 लैक्स, मतलब 4 लैक वाले जो पेट्स हैं वो 2 लैक्स वाले पेट्स का पेट्स के 3 टाइम से 2 मोर देन है, ठीक है, और टोटल पेट्स है 350, तो हमें निकालने हैं कि जो 4 लैक्स वाले पैड्स हैं वो कितने हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि जो भी 2 लैक्स वाले जो पैड्स हैं वो है एक्स, ठीक है, तो 4 लैक्स वाले पैड्स कितने हो जाएंगे,
एक्स का थ्री टाइम मतलब थ्री एक्स और टू मोर देन यानी कि प्लस टू, ठीक है, थ्री एक्स प्लस टू हो जाएंगे चार लेग वाले, ठीक है। और चार लेग वाले पैड्स और टू लेग वाले पैड्स दोनों मिला के हैं 358, तो दोनों को ऐड कर देंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया इक्वल टू में 358 लिख दिया, ठीक है। एक्स और थ्री एक्स को ऐड किया तो फोर एक्स हो गया, और टू को इधर सबट्रैक्ट में इधर ट्रांसफ़र कर देंगे सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 358 में टू सबट्रैक्ट हो गया तो 356 आ गया, और इधर फोर एक्स था तो फोर जो है डिवाइड में चल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 89, ठीक है। मतलब टू लैक्स वाले जो पैड्स हैं वो 89 आ गई, एक्स कौन था, टू लैक्स वाले पैड्स की संख्या थी तो 89 आ गई। अब हमें निकालना है कि फोर लैक्स वाले कितने हैं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है, तो फोर लैक्स वाले आ जाएंगे आपके 369, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जो 358 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कितने 89, तो भी आपके 4 लैक्स वाले आ जाएंगे, ठीक है। 358 में से 89 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 89 तो आ जाएंगे आपके, ठीक है, ये 9 बच गया, ठीक है, 269 आ जाएंगे। आगे देखो सेवंथ क्वेश्चन और देखते हैं एक और। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि पैसे कलेक्ट करते हैं, तो देखो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़, ठीक है, इनके जो कोइंस हैं इन्होंने कलेक्ट किए थे और टोटल कोइंस हैं 400, ठीक है, और टोटल जो रुपीज़ है वो है 1568, ठीक है। तो 10 रुपीज़ के जो कोइन है वो हाफ़ है 1 रुपीज़ के कोइन के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको एक मिनट। तो देखो टोटल कोइन है 400, ठीक है, और टोटल रुपीज़ है 1568, ठीक है। 1 रुपीज़ के कोइन को मानेंगे हम एक्स, ठीक है, 2 रुपीज़ के कोइन जो है 1/4 है तो 1/4 एक्स आ जाएगा, 5 रुपीज़ के कोइन जो है 1/3 है तो एक्स अपॉन 3 आ जाएगा, 10 रुपीज़ के जो है वो 1 रुपीज़ का हाफ है मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये सारे जो कोइंस है वो आ गए। अब देखो इन सबका सम, इनका सबका सम है 400, तो इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है, 400 के कुल में लिख दिया, ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ गया 25x/12=400, 12 को ट्रांसफ़र किया 400 की तरफ क्योंकि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये आ गया, और 25 से डिवाइड देंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके 192, यानी कि एक्स क्या है 1 रुपीज़ के कोइन, तो यानी कि 1 रुपीज़ के कोइन 192 आ गए। ऐसे आप भी इधर लिख दिया मैंने 1 रुपीज़ के कोइन कितने आ गए 192 आ गए। 10 रुपीज़ के कोइन निकालने हैं तो 10 रुपीज़ के कोइन निकालने के लिए 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे क्योंकि एक्स में एक्स अपॉन 2 है, एक्स में 2 से डिवाइड देंगे तो 10 रुपीज़ के आ गए 96, ठीक है। 5 रुपीज़ के अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक्स में 3 का डिवाइड देंगे, मतलब इसमें 3 का डिवाइड दे देंगे तो 5 रुपीज़ के कोइन आ गए 64, और फिर 2 रुपीज़ के निकालना चाहेंगे तो 4 से डिवाइड दे देंगे 192 में तो ये आ गए 2 रुपीज़ के कोइन 48, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन ने जो आंसर पूछा था वो हम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो है कंप्लीट सॉल्यूशन इसका, और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी कोइंस ऑफ डिटरमाइन रुपीज बन, तो बन के कोइन कितने हैं 192 है, 5 रुपीज़ के कितने हैं तो वो मैंने निकाल रखा है, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। 5 रुपीज़ के कोइन है आपके 64, ठीक है, और हमसे पूछ रहा था कि भाई समोचा बनाने में कितने पैसे खर्च किए, तो समोचा बनाने में 2 रुपये वाले सारे कोइन खर्च कर दिए, 2 रुपये वाले कोइन थे 48, ठीक है, तो 48 × 2 कर लो 96 रुपये समोचा बनाने में खर्च कर दिए। और एक और था, मतलब क्या बनाया था उन्होंने, मैं देखता हूँ क्या बनाया था, मुझे था डोसा, ठीक है, डोसा बनाने में कितना रुपये स्पेंड किए, तो देखो डोसा बनाने में उन्होंने 10 रुपये के सारे कोइन स्पेंड किए थे, ठीक है, और 10 रुपये के कोइन कितने थे अभी देखता हूँ, 10 रुपीज़ के जो कोइन थे 10 रुपीज़ के वो 96 कोइन थे, तो 96 × 10 कर लो 960 रुपीज़ डोसा में खर्च कर दिए, इतने रुपीज़ समोचा में खर्च कर दिए, ठीक है, ये 1 रुपीज़ का कोइन है और ये 5 रुपीज़ के कोइन है, तो ये आपके आंसर है 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस के, तो कंप्लीट है आपका आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है या फिर किसी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उस प्लेलिस्ट में से आप बाकी के चैप्टर एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।